ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में जानेंगे, अगर आपका मूलांक 3 है तो आपके लिए कैसा रहने वाला है साल 2022, यानी कि 2022 का भविष्यफल हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो जानना होगा कि आपका मूलांक का निर्धारण कैसे होगा, यानी कि आपका मूलांक 3 है ये कैसे समझेंगे। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, या फिर 21 तारीख को, या फिर 30 तारीख को, तो आपका मूलांक होगा 3। मूलांक 3 का भविष्य फल की बात करें 2022 के लिए, तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। ये साल शिक्षा के लिए बहुत बेहतरीन है, खूब यश मिलने वाला है आपको। कारोबार में पार्टनर से तनाव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मीडिया, लेखन और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए ये साल शानदार बना है। इस साल धन का आगमन खूब होगा, शुभ कार्यों में धन खर्च होगा, लेकिन धन की आवक भी अच्छी बनी रहे, ये ध्यान रखिएगा। नया घर, नया वाहन, इस साल ये सब पूरा हो सकता है। रिश्तों में मधुरता भी साल 2022 लेकर के आ रहा है। वाहन सावधानी से चलाएं, सेहत के सितारे थोड़े कमजोर हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। अब आइए डिटेल में बात करते हैं, थोड़ी सी यानी कि विस्तृत रूप में जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए साल 2022। नए साल की शुभकामना के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। उदारता की प्रवृत्ति से युक्त होता है मूलांक 3। जी हाँ, तो इस वर्ष आपको अपनी इस आदत की वजह से कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। हद से ज्यादा उदारता में आकर के आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। न्यूमरोलॉजी 2022 के अनुसार इस साल दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहने वाला है। बीच बीच में आपको जीवन साथी के अहम का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि ईगो का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी आप आपसी समझबूझ के द्वारा अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। रोमांस के लिए वर्ष का शुरुआती भाग अच्छा रहने वाला है। आपको अपने प्रियतम के साथ विवाह बंधन में बंधने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। रोमांस के साथ लव मैरिज के अच्छे योग बनेंगे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उन्हें भी कोई मिल सकता है, और यह वर्ष रोमांस के लिए बहुत कुछ दे करके जाएगा। आपके पार्टनर आपकी फाइनेंशियली मदद भी कर सकते हैं। ये संकेत देता है कि नौकरी करने वाले लोगों को तबादले का सामना करना पड़ सकता है इस साल, या आपका विभाग परिवर्तन भी हो सकता है। हालांकि ये परिवर्तन आपके फायदे के लिए होगा और आपको उत्तम धन मिलने वाला है। व्यावसायिक लोगों के लिए ये वर्ष अनुकूल है। मूलांक 3 वाले वर्ष की शुरुआत से ही अच्छी स्थिति में रहेंगे और अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे और व्यापार को अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे, ऊंचे मुकाम तक ले जाएंगे। आपको व्यापार के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं भी करनी होंगी, जिनसे आपके कुछ नए संपर्क जुड़ेंगे। मूलांक 3 के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने के काफ़ी आसार हैं और इससे खुशी होगी। इस साल आपको ज़्यादा मीठा खाने की आदत से बचना होगा, नहीं तो मधुमेह की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेट संबंधी रोग, आंतों में समस्या की संभावना आपको हो सकती है। यदि आपको कोई समस्या परेशान करती है तो समय रहते चिकित्सकीय परामर्श जरूर लें। आर्थिक तौर पर वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी, आपके बेवजह के काफ़ी खर्चे भी होंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बना सकते हैं, लेकिन वर्ष के मध्य में स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी और वर्ष के अंत तक आप आर्थिक स्थिति को संभाल पाएंगे, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। तो अगर आपका मूलांक 3 है तो आप क्या करें उपाय इस साल, ये सवाल होगा आपका। तो इस साल आप बृहस्पति देव की पूजा कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है ये साल, और साथ साथ शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं तो भी आपके लिए और फायदेमंद हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते प्रेम से बोलें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।